की वो रानी है मेरी महबूबा, ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा।
ये कहने मैं आया हूँ, ये कह के मैं चला जाऊंगा। ये कहने मैं आया हूँ, ये कह के मैं चला जाऊंगा। कहेगी तो जी लूंगा, कहेगी तो मर जाऊंगा। क्या तेरा भी है हाल यही, तू भी मेरी दीवानी है। ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा, ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा। ख्वाबों से निकल के आ, मेरी सांसों पे चल के आ, कि मैं महबूब हूँ तेरा, तू मेरे पास मचल के आ। ख्वाबों से निकल के आ, मेरी सांसों पे चल के आ, कि मैं महबूब हूँ तेरा, तू मेरे पास मचल के आ। मैंने कितने रत जगे किए, अब तेरी नींद चुरानी है। ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा, ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा। अनदेखी है अनजानी है, फिर भी वो जानी पहचानी है। ख्वाबों की वो रानी है, ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा, महबूबा, महबूबा। क्या तस्वीर की उड़ान है, अनदेखी है अनजानी है, फिर भी वो जानी पहचानी है। ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह मियां, तुम्हारी मोहब्बत की दास्तानें सुनकर कभी इतने इंप्रेस नहीं हुए जितने तुम्हारे ये कारनामे देखकर इंप्रेस हुए हैं। वैसे ये मोहतरमा तुम्हारी जिंदगी में आई कब, जिसने एक मॉडर्न आदमी को अच्छा खासा मुसव्विर और शायर बना दिया? इनका नाम क्या है? पता नहीं। पता नहीं? अरे भाई, तो तुम ये तस्वीरें बना कैसे लेते हो? पिछले 8 सालों से ख्वाब आता है शायद साहब, एक धुंधला सा चेहरा नजर आता है, कभी बादलों में, कभी समुंदर की लहरों में, कभी पेड़ों की छांव में। कौन है, कौन है नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूं कि वो ख्वाब ना आए तो कमबख्त नींद भी नहीं आती। अरे भाई, ये आपकी दास्तान है अमीर हमजा, अपनी समझ में नहीं आती। मैं इतना कहने आया था कि आपका दोस्त अरुण कल लंदन से आ रहा है, और अगर आपका ख्वाब इजाजत दे तो उसे लेने चले जाइए। और दूसरे, आपका वकील होने के नाते मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं कि ख्वाबों में इश्क करना बहुत अच्छा है, हम भी किया करते थे, मगर ख्वाबों से इश्क करना बहुत खतरनाक है, इट्स वेरी डेंजरस, याद रखिएगा।
शायद साहब, अब तो ऐसे लगने लगा है कि ये चेहरा ख्वाब नहीं, हकीकत है, जो किसी दिन अचानक सामने आ जाएगा। Hi, how are you? Welcome to Budapest. Oh, thanks. तू सुना कैसा है तू? I'm okay. तू बता तेरा ट्रिप कैसा था? Oh, trip. मेरे जाने से तो ट्रिप का मजा ही बदल गया यार. अच्छा तू बता, तेरी महबूबा मिली कि नहीं? सपने आसानी से जिंदा नहीं होते यार. बहुत तपस्या करनी पड़ती है. तब जाके कहते हैं. Oh my God! Help! Help, please! क्या मैनु लगता है ये मुंडा आपके पीछे लग पाया है जी? जी नहीं, साढ़े पीछे भी नहीं लग सकता है जी। अच्छा जी, तुसी इंडियन हो? लगता है ये भी इंडियन है। तुसी शादी बना चुके हो जी? जी नहीं। लगता है भी कुआरा है। अच्छा जी, तुसी इस मुंडे नु जानते हो जी? जी नहीं। पर लगता है ये आपको जानता है जी। आपको कैसे मालूम? सड़ा नाम है जी चतुर सिंह होशियारपुर वाले। ये जो पगड़ी है ना जी, इसके नीचे दिमाग भी है। फालतू बात मत करिए, ये गुंडा मेरा एयरपोर्ट से पीछा कर रहा है। तो आपके बहुत ही करीब आ गया है जी। Excuse me, जब मैंने आपको एयरपोर्ट पे देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, इसीलिए तो मैं आपके पीछे पीछे। देखिए मिस्टर, प्लीज लीव मी अलोन, ओके? लेकिन मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। Excuse me. Yes. He's bothering me. No sir, I have something very important to discuss with her. हाँ. Sir, please try to understand. Uncle. अरे. Thank you. तू आ गई बेटा. वेलकम। सॉरी बेटा, मैं केस में इतना उलझा हुआ था कि तुझे एयरपोर्ट लेने आ ही नहीं सका। आई एम सॉरी, कान पकड़ता हूँ। मगर आई एम सो हैप्पी कि तूने मेरा कहना माना और न्यूयॉर्क से यहाँ आ गई। न्यूयॉर्क रहने की जगह कंक्रीट का जंगल, ये है रहने की जगह बुडापेस्ट। यहाँ अच्छा मौसम है, अच्छे लोग हैं और मैंने तेरी फर्स्ट क्लास जॉब भी ढूंढ लिया है। और सुन, आज से ये तेरा अपना घर है, इसको तू अपना घर समझेगी। मैं तुझे तेरे बाप से ज्यादा प्यार दूंगा, तुझे पिताजी की कमी महसूस नहीं होगी और मुझे भी मेरी बेटी मिल जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रही ना वर्षा? वर्षा नहीं अंकल, पायल। अब मैं पायल हूँ। एक बात समझ में नहीं आई कि तू अचानक वर्षा से पायल कैसे बन गई? बाद में बताऊंगी अंकल, अभी मैं बहुत थक गई हूँ।
एयरपोर्ट से यहाँ आते आते एक पागल ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पागल? मेरा ख्याल है करण मियाँ, या तो आप बिल्कुल पागल हो चुके हैं या करीब होने वाले हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता कि जो लड़की बरसों तुम्हारे ख्वाबों में आती रही हो अचानक वो जमीन पर उतर आए, क्योंकि ड्रीमलैंड से कोई लड़की जमीन पर लैंड कर ही नहीं सकती है। इसलिए इस तरह किसी लड़की का पीछा करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कल तो मैंने तुम्हें यहाँ की पुलिस से बचा लिया, आइंदा कौन बचाएगा? शायद साहब आप मजाक कर रहे हैं जबकि मामला बहुत सीरियस है। मैं उस लड़की से मिल चुका हूँ और मैं झूठ नहीं। मैं भी हमेशा सच बोलता हूँ, और सच ये है कि तुम्हें आज मेरे साथ किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाना है, बस। समझ गए? ये कहाँ गया? हाय, रिमेम्बर मी करण? देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने जिंदगी में कभी किसी लड़की का पीछा नहीं किया। अच्छा पीछा तो दूर की बात है, किसी लड़की की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। आप समझ रही हैं कि मैंने आपको कल देखा है? जी नहीं, मैं आपको 8 साल से देख रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। देखिए बात जरा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको समझाता हूँ। आइए शाहिद साहब आइए। मासा कहती है कि भूत के बारे में सोचो तो वो आ जाते हैं। जी आज पता चला कि वकील भी आ जाते हैं। इसलिए कि आपको भूतों से छुड़ाना है ना। एक बात बताओ, तुम ये जॉगिंग करते करते गायब कहाँ हो गए थे? ये मिल गई थी। ओहो आपकी महबूबा, ये हमेशा की तरह ख्वाबों की दुनिया में वापिस तो नहीं चली गई? ये तो नहीं गई, लेकिन वो कमीना इंस्पेक्टर आ गया जिससे आप मुझे छुड़ा कर लाए थे। लगता है ये इंस्पेक्टर तुम्हारी लव स्टोरी का विलन बन गया है, जैसे ही आती है वो कमबख्त भी आ जाता है। विलन से तो मैं बाद में निपट लूंगा, लेकिन शाहिद साहब पहले महबूबा को ढूंढने की तरकीब बताइए। मैं बताऊं? यार मैं क्रिमिनल लॉयर हूं और ये मोहब्बत रिश्ता जो है वो क्राइम का हिस्सा अभी तक बना नहीं है। शाहिद साहब ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये लड़की जो परसों से मेरे ख्वाबों में आ रही है अचानक मेरे सामने आ जाती है और फिर बिछड़ जाती है और आज फिर मिल जाती है। ये मिलना बिछड़ना छुपना सामने आना ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर इसमें कोई मतलब है। ये नुक्ता काबिल गौर है। लेट मी थिंक, एक बात बताओ कहीं वो टूरिस्ट तो नहीं? टूरिस्ट है तो चली जाएगी, फिर मैं उसे ढूंढूंगा कहां? ठहरो यार, पुराने आशिकों की तरह चिल्ला मत, सोचने दो। सवाल यह पैदा होता है कि लोग इस शहर में घूमते कैसे हैं? लो अपनी कार में घूमते हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन में घूमते हैं, टैक्सी में घूमते हैं, ट्रैम में घूमते हैं, और जो ज्यादा शौकीन हो सरकटी बस में घूमते हैं, टूरिस्ट बस। एक काम करो, तुम कोई भी एक उंगली पकड़ो मेरी। पकड़ो यार। ट्रैम। अब 3 दिन में तीसरी बार मिल रहे हैं हम, अब इसको क्या कहेंगे आप? आप चाहते क्या है? आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो कीजिए। लेकिन आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी। तो फिर बात ही मत कीजिए, सिंपल। अरे देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर लड़की के पीछे पड़ जाते हैं, ना ही मुझे लव एट फर्स्ट साइट जैसी कोई चीज हुई है। एक्चुअली अब ये केस बहुत अजीब है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मुझे समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? दरअसल पिछले 7-8 सालों से हर रात एक चेहरा मेरे सपनों में आता है
और वो मेरा ही चेहरा होगा जी। तो फिर ये आपका प्रॉब्लम है, आप जाने। मेरे सपने में तो आपका चेहरा कभी नहीं आया। बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो मिस्टर, लड़कियों को फंसाने वाले चीप ड्रामे बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर सपने बहुत आते हैं तो अपने पेट का इलाज करवाइए, और फिर भी आते हैं तो अपने दिमाग का इलाज करवाइए। नाउ मूव। दिलरुबा तेरी आंखें, तेरी पलकें, तेरी सांसें, तेरी जुल्फें मुझे सब जानते हैं तेरे सिवा। तेरा माही, तेरा जोगी, तेरा राही, तेरा प्रेमी मुझे सब मानते हैं तेरे सिवा। ओ दिलरुबा तेरे सिवा, तेरी पलके, तेरी सांसें, तेरी जुल्फें मुझे सब जानते हैं तेरे सिवा। तेरा माही, तेरा जोगी, तेरा राही, तेरा प्रेमी मुझे सब मानते हैं तेरे सिवा। मुझे तूने नहीं पहचाना, तेरा आशिक बड़ा पुराना, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना। घर वापस तू नहीं जाना, मेरे दिल में ही रह जाना, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना। तेरा आंचल, तेरा काजल, तेरे झुमके, तेरी पायल मुझे सब जानते हैं तेरे सिवा। ओ दिलरुबा तेरे सिवा, ओ दिलरुबा तेरे सिवा। हम दोनों के दिल चाहे हम आज यहीं मिल जाएं, ये सब की मर्जी है, ये रब की मर्जी है। ये जख्म सभी सिल जाए, फूलों जैसे खिल जाए, ये सब की मर्जी है, ये रब की मर्जी है। चांद तारे ये नजारे, प्यार के मारे लोग सारे सब दुआ मांगते हैं तेरे सिवा। ओ दिलरुबा तेरे सिवा, ओ दिलरुबा तेरे सिवा। तेरी पलकें, तेरी सांसें, तेरी जुल्फें मुझे सब जानते हैं तेरे सिवा। तेरा माही, तेरा जोगी, तेरा राही, तेरा प्रेमी मुझे सब मानते हैं तेरे सिवा।
आर यू ओके? करण, आर यू ओके? हाँ, तुम ठीक हो? आर यू ओके? नो, ख्वाबों में जिसको देखा था, हकीकत में उसको पाया। मुद्दत के बाद जिंदगी में ये लम्हा आया। ख्वाबों में देखा था ना, इसे भी ख्वाब समझ के भूल जाइए। आज के बाद मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी। जिस प्यार से आप मुझे पट्टी बांध रही हैं, मेरा दिल कहता है कि एक दिन उसी तरह आप मुझे मिल जाएंगी। ये आपकी गलत फहमी है, मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी। आप क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हैं जब मैं आपसे इतना प्यार करता हूं? प्यार? मुझे हर उस आदमी से नफरत है जो अपने हवस को प्यार जैसे पाक चीज का नाम देखकर उसकी बेइज्जती करता है। आप हवस कहकर मेरे प्यार की बेइज्जती कर रही हैं? पट्टी बन चुकी है। अरे, मैं ना कोई पीर हूँ, ना फकीर हूँ, ना कोई नेता हूँ, मेरा हाथ क्यों चूम रहे हो यार? इसलिए कि आपने जिधर उंगली उठाई वो वहाँ मिल गई। मिल गई? मुबारक हो, क्या रफ्तार है। एक मिनट, ये चोट कैसी लगी यार? शायद साहब ये चोट नहीं, लव का विजिटिंग कार्ड है। अगर ये नहीं होता तो मैं उसके घर कैसे पहुँचता? अच्छा, आप घर पहुँच भी गए, बहुत अच्छे। अगली पेशी कब है? इसलिए तो आया हूँ, अगली मुलाकात आपको करवानी है। आप चलिए मेरे साथ और उसे बताइए कि मैं कैसा हूँ। मैं क्या बताऊँ, उसने खुद देख लिया होगा कि तुम कैसे हो यार। वही तो, वो ठीक से देख नहीं रही है ना। अरे तो मैं क्या करूँ, मैं क्या तुम्हारा खानदानी एल्बम ला के दिखाऊँ उसको? शायद साहब मजाक बंद कीजिए, आप उसे बताइए कि मैं झूठा नहीं हूँ, मेरा प्यार झूठा नहीं है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी? मियां आपको ऐसा लगता नहीं कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं? शायद साहब मुझे लगता है कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। आप आइए, गाड़ी में बैठिए, जल्दी आइए। चलो, शायद मियां खुदा खैर करे आज आपका भांडा फूटने वाला है। अरे चलिए ना, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि शायद यही मकान है जो पिछले कई बरसों से मेरे ख्वाबों में आ रहा है। शायद साहब आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक कोई और कर रहा है। चलो। आइए ना अंकल, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि इंसान अगर अपने घर में मेहमान बनकर आए तो कैसे लगता है। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब कि हम लोग लड़की को देखने आए, कल वो अपनी बहू हो जाएगी तो उसका घर भी अपनी हो जाएगा, उस लिहाज से कह रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा, बैठिए ना, बैठिए, आइए आइए। बैठता हूँ। इंडियन ब्लैक कॉफी फॉर यू सर। Yes. And for you, sir? Same. Okay. इसे कैसे पता चला आप क्या पीते? वही मैं खुद सोच रहा था कि उसको कैसे पता चला कि मुझे काली कॉफी। Thank you. अरे ये आपका कोट क्यों ले गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा हुआ पैंट नहीं ले गया यार। वो कल मैं यहाँ आया था ना तो मैंने आपकी बहुत तारीफ की। तो तारीफ में क्या कोर्ट ले जाते हैं? मैंने कहा था मेरे अंकल आ रहे हैं, उनकी खूब खिदमत करना। अच्छा अच्छा, आप भी जरा मेरे बारे में। अरे तेरी तो मैं ऐसी तारीफ करूंगा कि तू भी क्या है याद करेगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू मुझे इस घर में लाने वाला है तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पर। क्यों? अरे भाई ये बहुत बड़े वकील का घर है, अगर कोई मुजरिम उसके घर में पहुंच जाए तो उसको कोर्ट में जाने से पहले वो यहीं सजा देता है, बल्कि कई मुजरिमों को तो यहीं फांसी दे चुका है। अरे फाड़ में गया उसका अंकल, एक बार वो लड़की हाँ कर दे और शादी कर ले फिर मैं उसे ऐसी लात मारूंगा कि बुड्ढा पूरे बुड्ढा पेस्ट में। लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। अब जाहिर है कि मेरी महबूबा इतनी अच्छी है तो उसके अंकल भी बहुत अच्छे और शरीफ इंसान होंगे, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। और मैं अपनी महबूबा से इतना प्यार करता हूँ तो उनसे नहीं करूंगा। ये अचानक स्टेटमेंट बदल कैसे गया?
वहां रखी हुई तस्वीर देख ली ना तूने? क्या अंकल, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी भतीजी है? मेरी भतीजी नहीं, मेरे दोस्त की बेटी है। मेरे दोस्त के मरने के बाद वो मेरी बेटी बनकर मेरे घर में आकर रहने लगी है। हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो यहाँ आई मेरे लिए, उसे मेरा प्यार यहाँ खिंचलाया है। आप यहाँ कैसे? आपने जख्म पे दवा लगाई थी ना, इसलिए शुक्रिया अदा करने चला है। अब जख्म कैसा है? जख्म तो बस क्या है, बस खराश रह गई है। खराश की यही कैफियत है, न जख्म नजर आता है ना दर्द की कसक जाती है। देखिए, आपको जो कुछ कहना है सोच समझ के कहिएगा, मैं अपना वकील साथ लाया हूँ। वकील? देखो, अब ये केस मेरे हाथ में आ गया, ये भी मेरी क्लाइंट है, तुम भी मेरे क्लाइंट हो, समझे ना? अब चुपके से निकल जाओ, मैं से हाँ करा लूंगा। अजीब इत्तेफाक है, इन्हें करण बरसों जिस लड़की के सपने देखता रहा, जिस महबूबा को ख्वाब में देखता रहा, जिसका इंतजार करता रहा, वो तुम? अंकल, ये उसका ख्वाब है, हकीकत में मैं उसकी महबूबा नहीं हूं। और वैसे भी इस दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है। एक मिनट, क्या कहा तुमने? दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है? इस दुनिया से अगर मोहब्बत खत्म हो जाएगी ना, तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए मान लो कि दुनिया में मोहब्बत है। बैठो। वो जमाना खत्म हो गया अंकल, जब प्यार दिलों का सौदा हुआ करता था। आजकल हर इंसान अपने हिसाब से उसकी कीमत लगाता है। देखो, मैं वकील हूं, अगर हुज्जत पे आऊंगा ना तो तुम ये मैदान छोड़ के भाग जाओगी, इसलिए जो कहता हूं वो मान लो। जिंदगी में खुशियां भर लो, अपना घर बसा लो और करण से शादी कर लो। नेवर अंकल, मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी। क्यों बेटी? इस उम्र में लड़कियां शादी के सपने देखती हैं, मोहब्बत के ख्वाब देखती हैं। एक जवान बच्ची उन सपनों को, उन ख्वाबों को ठोकर मार के कोई ऐसी तलख और कड़वी बात करे तो इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सानेहा है, कोई राज है। देख बेटा, अगर तू मुझे अपने बाप की तरह समझती है तो मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। बता क्या बात है? अंकल, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। जिंदगी के जिस रास्ते पर करण मेरा हाथ थाम के चलना चाहता है, उस रास्ते पर मैं किसी और का हाथ थाम के चल चुकी हूं, और उसमें मेरे पैर इतने जख्मी हो गए हैं कि अब और चलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। कौन था वो?
कुछ कह लो ये हो जाता है, जाने कब कैसे ये क्या हो जाता है। तुम इस ख्याल को कोई भी नाम दो लेकिन सुनो, कुछ कर लो कुछ मलिक। यस सर। क्या चीज थी ना रात के फंक्शन में? हाँ सर, कमाल की चीज थी। तुम कहाँ थे फंक्शन में? सर पार्टी में तो नहीं था, लेकिन तीन दफा आप ही के मुंह से सुन चुका हूँ वो कमाल की चीज थी। उसका पता करो। वीकेंड होने से पहले उसकी सब जन्मपत्री ढूंढ निकालूंगा सर। मलिक कल सुबह होने से पहले। ओके। Pick up the phone, darling. हाँ मलिक बोल रहा हूँ सर। मलिक। जी सर। तुम हमेशा गलत टाइम पे फोन करते हो। लेकिन सर। बोलो। काम तो सही करता हूँ ना सर। मैंने पता लगा लिया है सर। लड़की का नाम वर्षा है। हाँ अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए। वही करना है जो हमेशा से करता आया हूँ। वर्षा को आपके बेड तक पहुँचाना है। करेक्ट। वर्षा को नौकरी की जरूरत है। फौरन दे दो ताकि उसकी और मेरी दोनों की जरूरत पूरी हो जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मलिक साहब, आप मुझसे मिले आए यहाँ? नॉट एग्जैक्टली, आपकी गाड़ी आ गई थी, सोचा आप मैं ही पहुंचा दूं। मेरी? यस। माय गुडनेस, ये मेरी गाड़ी? ये मेरी गाड़ी है? इट्स नॉट पॉसिबल, इज इट Really, 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 my car? जी हाँ, कंपनी के हर सीनियर स्टाफ को कंपनी की तरफ से एक गाड़ी दी जाती है। ये लीजिए। I don't believe this. I don't believe it. It's beautiful, gorgeous. अरे यार, where were you? मैं तुझे सुबह से ढूंढ रही हूँ, तेरे फ्लैट में भी गई, तू मेरी नहीं, कहाँ थी यार? What's the matter? इतनी खुश? अरे यार, पूछ मत कि आज मुझे कैसा लग रहा है। It's like flying in the air. और वक्त मुझसे रुक रुक के पूछ रहा है, बोल तुझे क्या चाहिए? बोल, बोल, बोल। Oh, stop now. बता क्या हुआ? क्या हुआ? Let me think, क्या हुआ? आज मुझे कंपनी की तरफ से एक ब्यूटीफुल कार मिली है। It's gorgeous, man. मैं तुझे न्यूयॉर्क सिटी घुमाती हूँ।
We'll just whisk through the city, Annie. Come on. Wow, what a pleasant surprise. Anyways, come on, let's go in. Come on. No. Sit down. Arre? Please sit down. हाँ. Varsha, कल तुमसे मिलने के बाद मैं सारी रात तुम्हारे बारे में सोच रही थी. I was only thinking about you. What's wrong with you? ये कैसे नशे में हो तुम? अरे बाबा, ये सक्सेस का नशा है, कामयाबी का. You won't believe आजकल क्या हो रहा है. अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है. क्या मतलब? क्या होने वाला है? जानना चाहती हो? Of course. आओ. Shravan, the furnace for you. हेलो. हाय एसडी. सुमन, कितनी बार कहा है मेरे सैटेलाइट फोन पर फोन मत किया करो. हाँ बोलो. सुना है आजकल वर्षा मेहराग के चक्कर में हो? वर्षा? कौन वर्षा? कम ऑन एसडी, जिसे तुमने कंपनी में जॉब दिया, ब्लू स्पॉट्स कार दी और अच्छा, वो कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है या बहुत अच्छी है? Hey. तुम जेलस तो नहीं हो रही हो ना? वो लड़की गिफ्ट है मेरे लिए, जो मैंने खुद को दिया है. उसकी एक रात के लिए सैकड़ों दिन बर्बाद किए जा सकते हैं. What? क्या बोलती हो? तो इंतजार किस बात का है? इंतजार है उस रात का जिसे लोग न्यू ईयर नाइट कहते हैं. उस रात सारी दुनिया नए साल की खुशियां मनाएगी और मैं वो रात वर्षा मेहरा के साथ गुजारूंगा. You can't imagine, Suman, कैसी होगी वो रात. कर लो कुछ कह लो ये हो जाता है. हो जाता. मिल जाए नजरें तो दिल खो जाता है. हो जाता. तुम इस ख्याल को कोई भी नाम दो लेकिन सुनो. कर लो कुछ कह लो ये हो जाता है. हो जाता. ज़ुल्फों के साए में दिल सो जाता है. कह लो ये हो जाता है.
कह लो ये हो जाता है। जाने कब कैसे ये क्या हो जाता है। तुम इस ख्याल को कोई भी नाम दो लेकिन सुनो। मुझे हैरत से देख रहे हैं कि मुझ जैसी मामूली लड़की ने इतने बड़े, इतने मशहूर, इतने इज्जतदार बिजनेसमैन की बेइज्जती कैसे कर दी। लेकिन आपकी हैरत अधूरी है। असली हैरत तो तब होगी जब मैं कहूंगी कि ये आदमी बड़ा नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा आदमी है। वो आदमी बड़ा कैसे हो सकता है जिसका सर हर रात किसी शरीर बेचने वाले के पैरों में झुक जाता हो। तुमने क्या सोचा था कि एक नौकरी, एक गाड़ी देकर तुम मुझे खरीद लोगे? मिस्टर श्रवण धारीवाल, हर लड़की बाजार में रखी हुई चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके और यूज करके फेंका जा सके। आज के बाद तुम जब भी किसी लड़की को गलत नजर से देखोगे तो मेरा यह तमाचा तुम्हें जरूर याद आएगा मिस्टर श्रवण धारीवाल। मुझ पर हाथ उठाने से पहले तुमने क्या सोचा था वर्षा? सोचा था अगर शर्म होगी तो कहीं डूब मरोगे। सैकड़ों लड़कियां जो तुम्हारी कमीनेपन का शिकार होने वाली हैं बच जाएंगी। तुमने ये क्यों नहीं सोचा मैं तुम्हारे ये गुरूर एक मिनट में खत्म कर सकता हूं, तुम्हारा वो हाल कर सकता हूं। हाथ उठाना तो दूर रहा, तुम आग भी नहीं उठा सकोगी। तुम भूल रहे श्रवण धारीवाल, जो लड़की तुमसे नहीं डरी तुम्हारे धमकियों से क्या डरेगी? मैं तुम्हें डराने, धमकाने या बदला लेने नहीं आया था वर्षा, बल्कि शुक्रिया बोलने आया था कि तुम्हारे उस थप्पड़ ने बरसों पुराना नशा एक पल में उतार दिया। काश ये थप्पड़ उस पहली लड़की ने मारा होता। खैर देर से ही, लेकिन किसी ने तो मारा। थैंक यू वर्षा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि मेरे जैसे प्लेबॉय के अंदर से कौन बोल रहा है, लेकिन जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं वर्षा। बाय। आई एम गजानन मेहरा। I'm Shravan Dhariwal, SD Group of Companies का मालिक। बैठिए बैठिए बैठिए, please be seated। मेहरा साहब, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ।
क्या? मैं वर्षा का हाथ मांगने आया हूँ। जिस कंपनी में वर्षा की नौकरी लगने से मैं फूला नहीं समा रहा था, उस कंपनी का मालिक रिश्ता लेकर आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? शी इज अ लकी गर्ल। लकी तो मैं हूं मेरा साहब, आप मेरे बारे में जानते भी नहीं। जितना आप सोच रहे हैं ना मेरा साहब, उससे कई ज्यादा पैसा है मेरे पास, और उस पैसे के लालच में मेरे आसपास कई लड़कियां घूमती भी हैं और कईयों के साथ ताल्लुकात भी रहा है मेरा, लेकिन एक ऐसी लड़की नहीं मिली मुझे जिसे मैं अपने दिल में लाता, अपने घर में लाता। सारी दुनिया घूमने के बाद एक लड़की मिली है मुझे जिसे मैं घर लेके आना चाहता हूँ, अपने दिल में रखना चाहता हूँ, और वो है आपकी बेटी वर्षा। मुझे तो कोई एतराज नहीं है श्रवण साहब, लेकिन वर्षा आज के जमाने की लड़की है, अगर आप उससे पूछ लें तो बेहतर होगा। हम हिंदुस्तानी हैं मेरा साहब, हमारे संस्कार में बच्चों का रिश्ता माँ बाप ही तय करते हैं, मेरी तो मजबूरी है, मेरा कोई बड़ा नहीं, लेकिन वर्षा का अच्छा बुरा सोचने के लिए आप तो हैं, आप उससे बात कर लीजिए, और अगर उसने हाँ कर दी तो शगुन के तौर पर उसे ये दे दीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि श्रवण धारीवाल रिश्ता लेकर आया है और सिर्फ एक चांदी का कंगन लेकर। नहीं नहीं, मैं मेहरा साहब, आप ये कंगन की कीमत नहीं जानते, आपके लिए तो ये मामूली चीज है लेकिन मेरे लिए ये अनमोल है। जब मेरे पिताजी ने मेरे माँ के साथ शादी की थी, उनके पास पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये कंगन खरीदा और उन्हें पहनाया, और आज मैं ये कंगन आपको इस उम्मीद से दे रहा हूं कि एक दिन इसे पहनकर वर्षा मेरे घर पर आएगी। चलता हूं मेरा साथ। क्यों आया था यहाँ पे ये मिस्टर श्रवण धारीवाल? इज्जत से नाम लो बेटी उनका, कल को तुम भी इसी नाम से कहलाओगी, मिसेज वर्षा धारीवाल। क्या कहा आपने पापा? हाँ बेटी, वो तेरे रिश्ते की बात करने आए थे। और आपने क्या कहा? ना तो कहने का सवाल ही नहीं उठता बेटा। पापा, पापा आप नहीं जानते वो कितना बिगड़ा हुआ, कितना अय्याश किस्म का आदमी है, उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। मैं जानता हूँ वर्षा। क्या जानते हैं पापा आप? क्या आप जानते हैं उसके कई लड़के के साथ अफेयर्स है? एक तो मेरी दोस्ती है सुमन। मुझे मालूम है बेटा, लेकिन तू ही बता, क्या उनमें से किसी को भी उन्होंने शादी का ऑफर दिया? नहीं ना बेटे, इंसान भले ही 50 लड़कियों से अफेयर कर ले, लेकिन शादी उसी से करता है जिसे वो दिल से पसंद करता है। इतना सच्चा और आईने की तरह साफ इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं बेटा। जब मैंने तेरे रिश्ते के लिए हां की तो शगुन में उन्होंने क्या दिया मालूम है? अपने जिगर से जुड़ी हुई एक अनमोल चीज, अपनी मां का यह कंगन, अपने मां बाप की यादगार तुम्हें सौंप दी बेटा। कितना जज्बाती है लड़का। पापा, क्या आपको दिल से लगता है कि मैं श्रवण के साथ खुश रहूंगी? बेटी, ये दिल एक बाप का दिल ही नहीं है सिर्फ, 2 की वर्षा को अकेले छोड़कर चले जाने वाली तेरी मां की आत्मा भी है यार। और तू इतना तो जानती है ना कि तेरे पापा जो भी फैसला करेंगे तेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। अगर अपने पापा पर भरोसा है तो हाँ कर दे, नहीं तो बेटा मैं श्रवण को फोन करके कह दूंगा कि अपना कंगन वापस ले जाए। Thank you.
ये लो बेटा। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कल रात पार्टी में मैंने आपको देखा, आप कुछ परेशान लग रही थी। नहीं तो? मुस्कुराती हुई आप कितनी अच्छी लगती हैं, जब आप रोती हैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं रो तो नहीं रही हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ खुश नहीं रहेंगी तो बोल दीजिए, अब भी वक्त है। मैं ये सगाई तोड़ दूंगा और इसका इल्जाम भी अपने पर ले लूंगा। आप गलत समझ रहे हैं, मैं किसी और बात से परेशान थी। किस बात पर? मैं सोच रही थी कि अब तक मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला कैसे चुकाऊंगी। बदला चुकाने का एक तरीका मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं। तू मेरी महबूबा, मैं तेरा महबूब। तू मेरी महबूबा, हो मैं तेरा महबूब। हुस्न के दरिया में मैं जाऊं डूब 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 डूब। तू मेरी महबूबा, मैं तेरा महबूब। हो तू मेरी महबूबा, हाँ मैं तेरा आँखों में आँखें, दिल में दिल, जा मैं जान डाल दूँ। ओ आ तेरी आँखों में आँखें, दिल में दिल, जा मैं जान डाल दूँ। सर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक, बोसों के निशान डाल दूं। कोरे कागज सा है ये हाँ तेरा, रंग रूप 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 रूप, रूप।
रूप 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 तू मेरी महबूबा मैं तेरा जहाँ लकड़ी का मकान, लकड़ी के मकान में आग लग गई। तूने मुझे छू लिया मेरी जान, जमीन आसमां में आग लग गई। तेरी जुल्फों में है छांव, तेरे चेहरे पे है धूप। आ तेरे हुस्न के दरिया में मैं जाऊं डूब 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 डूब। तू मेरी महबूबा मैं तेरा महबूब हो, तू मेरी महबूबा हाँ मैं तेरा महबूब। आ तेरे हुस्न के दरिया में मैं जाऊं डूब 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 डूब। लड़की बाजार में रखी हुई चीज होती है, हर लड़की, समझी? हर लड़की बाजार में रखी हुई चीज नहीं है,
जिसे खरीदा जा सकता है और यूज करने के बाद फेंका जा सकता है। जिसे खरीदा जा सके और यूज करके फेंका जा सके। डिफरेंस है सिर्फ एक कीमत की, सिर्फ एक। किसी की कीमत है कार, एक घर, एक जॉब, और किसी की कीमत है वादा, तुम्हारी तरह। सात फेरों के हसीन वादों पर बिक जाने वाली वर्षा मेहरा। और ये मत भूलो कि तुम भी बाजार में बिकने वाली चीज ही हो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो, तुम जानना चाहते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती है ना? बोलो, यही बात है ना? बात ये नहीं है वर्षा, बात तो वो है जो तुमने मुझे उस दिन पार्टी में कही थी और ये कहते हुए भूल गई थी कि मेरा नाम श्रवण धारीवाल है और श्रवण धारीवाल भूलता नहीं है, कभी माफ नहीं करता, समझी? जो उंगली मेरी तरफ उठी थी वो मेरे नाम की अंगूठी कैसे पहन सकती है? झूठ है, ये झूठ है। तुम चाहते हो श्रवण क्या हो तुम मेरे लिए? कितना चाहती हूं मैं तुम्हें, पूरी तरह से हो चुकी हूं मैं तुम्हारी, अपना बना लिया है मैंने तुम्हें, सब कुछ दे दिया मैंने तुम्हें, इतना अगर इतना नफरत करते तो मार डालो मुझे, तुम्हें पता मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी मैं? बाजार में जाओ, वह बहुत से खरीदार मिलेंगे तुम्हें, अरे जाओ। बाय वर्षा। Yeah, I'll catch the flight tomorrow and come. Yeah. I'll call you in 2 minutes. तुमने जो मेरे साथ किया उसे सुनकर मेरे डैडी की धड़कन रुक गई। वो मरे नहीं, तुमने मारा है उन्हें। तुमने मेरे जिस्म, मेरे दिल, मेरे रूह के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूं श्रवण धारीवाल, कि तुम जिंदगी भर प्यार के लिए तरसते रहोगे लेकिन तुम्हें प्यार कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा श्रवण धारीवाल, कभी नहीं। महीनों तक घर पर छुपी बैठी रही, डर लगता था बाहर जाऊंगी तो लोग पहचान जाएंगे, मुझ पर हंसेंगे, उंगलियां उठाएंगे, ताने देंगे। कहां जाती मैं, क्या करती? यहां आपके पास आ गई, उस बदकिस्मत वर्षा को न्यूयॉर्क में छोड़ दिया। मुझे क्या पता था कि यहां भी एक और श्रवण मेरी राह देख रहा है। बिचारी। देख बेटा, मिट्टी डाल इन बातों पर। मैं जानता हूं तेरे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ,
मगर बेटा तेरे दिल पे जो जख्म लगा उस जख्म का इलाज तो कराना पड़ेगा ना। अब बेटी दिल के जख्म का इस दुनिया में सिर्फ दो ही इलाज हैं, एक वक्त और एक मोहब्बत। अब मेरे ख्याल में करण की मोहब्बत तेरे टूटे हुए दिल को दोबारा जरूर जोड़ देगी। ये दिल जोड़ सकते हैं अंकल, लेकिन अगर भरोसा टूट जाए तो जुड़ नहीं सकता। मैं अब कभी किसी के प्यार पर भरोसा नहीं कर सकती। हे बेटा, मैं एक बार फिर कहूंगा, करण बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके बैकग्राउंड, उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता बेटा। उसके बारे में जानता हूं, वो लड़का तुझको कभी धोखा दे ही नहीं सकता। अंकल, मैं और एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। उसे कहिएगा मैं उसके काबिल नहीं हूं, आइंदा वो मुझसे ना मिले। मैं समझा था कि तुमसे दूर भागकर, तुम्हें तड़पा कर पायल तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को जांच रही है, और जैसे उसे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे प्यार में कोई खोट नहीं तो वो तुम्हें अपना लेगी। अगर मेरा अंदाजा गलत निकला, आई एम सॉरी। मुझे अगर हकीकत का पहले ही पता होता तो मैं तुम दोनों को इतना करीब नहीं आने देता। क्या मतलब, आपको तो चार दिन पहले तक यह नहीं मालूम था कि पायल मेरी महबूबा है। करण मियां, इन तस्वीरों को देखकर तो अंधा भी समझ जाएगा, और पायल के आने से पहले ही मैं जानता था कि ये तस्वीरें पायल की हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पायल को मैंने मजबूर किया था कि वो यहां आए। मगर आप तो यह खबर लेके आए कि मैं हार गया हूं। करण, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको बोलते हुए वकील की जबान भी लड़खड़ाने लगती है। पायल के साथ भी ऐसी हुआ। एक शैतान आया था उसकी जिंदगी में और उस मासूम बच्ची को इस बुरी तरह लूटा के उसे मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, हमदर्दी जैसे लफ्जों से नफरत हो गई है। आज उसकी यह हालत हो गई है कि वो किसी मर्द का नाम तक सुनने को तैयार नहीं। मगर मैंने उसे तुम्हारे बारे में समझाया, तुम्हारे प्यार का यकीन भी दिलाया, मगर नहीं मानी वो। क्योंकि जैसे एक बार सांप डस ले फिर वो रस्सी से भी डरने लगता है। करण, पायल किसी भी हालत में एक और तजुर्बा नहीं करना चाहती है दोस्त। आई एम सॉरी। वाले के सामने हाथ फैलाए और एक ही चीज मांगी, तुम, और यह वादा किया कि आज के बाद और कुछ नहीं मांगूंगा। शाहिद साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन यह कहां का इंसाफ है कि किसी और के गुनाह की सजा मेरी मोहब्बत को मिले। लगता है शायद अंकल ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। वो आदमी जो मेरी जिंदगी में आया था,
उसने मेरी हंसी खुशी, मेरी आत्मा को ही नहीं, मेरी इज्जत भी लूट ली थी। इस नई रोशनी में मैं कैसी लग रही हूं करण? जिसे सुनकर तुम्हारी सांसें रुक गई हों, मेरे उस दर्द के साथ सारी जिंदगी गुजार पाओगे? देख सकोगे ये चेहरा सुबह शाम जिसपे काला दाग लग चुका है? चल सकोगे उस रास्ते पर जिस पर किसी और के गंदे पैरों के निशान भी हैं? मैं झूठ बोल सकती थी करण, इस बात को छुपा भी सकती थी, मगर तुम्हारे प्यार की सच्चाई को धोखा नहीं देना चाहती। तुम बहुत अच्छे आदमी हो करण, खुश नसीब होगी वो लड़की जिसे तुम्हारे जैसा चाहने वाला मिले। लेकिन सिर्फ चाहत के सहारे जिंदगी नहीं कटती, उम्र भर साथ देने के लिए एक ऐसे भरोसे की जरूरत होती है जिसपे शक का छाया भी न पड़ा हो, और मेरा वो भरोसा टूट चुका है। इतने दिन तुम्हारा दिल दुखाया, हो सके तो माफ करना। रुक जाओ प्लीज, मेरी खामोशी को मेरे इरादे की कमजोरी मत समझो पायल। तुमने दिल जीता था, तुम्हारी सच्चाई ने आत्मा भी जीत ली। जो सोचा था तुम, उससे कहीं ज्यादा निकली। अंधेरे से निकलने वाले उजाले में रास्ता नहीं देख पाते। आओ मेरा हाथ थाम लो, वादा करता हूं कि जिंदगी में कभी ठोकर लगने नहीं दूंगा। कहने मैं आया हूं, ये कह के मैं चला जाऊंगा, कहे कि तो जी लूंगा, कहे कि तो लगी, मेरी आंखों में पानी है, ख्वाबों की तू रानी है, मेरी महबूबा, ख्वाबों की तू रानी है, तुम कल घर ही में रहना, मैंने एक पार्टी रखी है, उस पार्टी में तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। किस खुशी में पार्टी रखी है? खुशी तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए तो गम की बात है। करण बुडापेस्ट छोड़कर हमेशा के लिए हिंदुस्तान जा रहा है।
और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। बेटी, तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम अपनी गलत सोच से एक हीरा गंवा रही हो। एक बुजुर्ग की हैसियत से सिर्फ मैं राय दे सकता हूं कि करण जैसा लड़का तुमको जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। बाकी तुम खुद समझदार हो, मैं क्या कह सकता हूं। जा रहे हो? बुदापेस्ट को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हो? बरसों से तुम्हारे ख्वाबों में आने वाली तुम्हारी महबूबा की वो तस्वीरें अपने साथ ले जा रहे हो? और अपनी महबूबा को छोड़ के जा रहे हो? शुक्रिया हो 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 प्यार तेरा शुक्रिया, हम सलाम करते हैं। शुक्रिया हो 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 प्यार तेरा शुक्रिया, हम सलाम करते हैं। हम ये दिल हम ये जान तेरे नाम करते हैं, हम ये दिल हम ये जान तेरे नाम करते हैं। से दिल मिल गया है, शीशे की सब दीवारों को तोड़ दिया। शुक्रिया हो 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 प्यार तेरा
शुक्रिया, हम सलाम करते हैं। हम ये दिल हम ये जान तेरे नाम करते हैं। हम ये दिल हम ये जान तेरे नाम करते हैं। हम ये दिल हम ये जान तेरे नाम करते हैं। महबूबा महबूबा भूला नहीं भाई। धन्य है भाग हमारी, 8 साल के बाद हमारी याद तो आई। मासा मुंशी जी, कैसे हैं आप? आपके रहते चिंता के बात की छोटा दलबा। चलो यहाँ जाओ, आरती उतारनी है।
इतना सब करने की क्या जरूरत थी? ये सब मैंने थोड़ी ही किया है, तेरे भाई ने किया है। भाई? हाँ? कहाँ है भाई? So sweet, thank you. लेकिन ये बताइए कि कल आप कहाँ थे? अरे क्या बताऊँ, कल मैं बहुत बिजी था इसलिए आ नहीं पाया, मगर इसको तो मैंने भेज दिया था। अच्छा? ये ले छोटी, तेरा मेकअप किट। अरे चोको गिफ्ट लाए कुवरसा, अब विलायती पाउडर और लेटेस्ट पिटिस लगा के मैं साजन अच्छा। को फंसा ही लूंगी। ओजी घड़ी खम्मा, सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी, प्लैटिनम नहीं मांगा, एक गिटार मांगा था, गिटार लाए क्या दाता। लेकिन इस गिटार का करेगा क्या? पॉप सिंगर बनूंगा घड़ी खम्मा। पॉप सिंगर? तू राजस्थान की मिट्टी का नाम एक ही आदमी रोशन कर सकता है, ग्रीन पैंथर। ग्रीन पैंथर? ये कौन है? ये हरी सिंह और कौन? ओ, एक भजन सुनिए पॉप स्टाइल। रघुपति राघव राजा एवरीबॉडी पति तपावन। नाबालिग निरंज, जब तू पैदा हुए तो मैंने सारा कालों में पवित्र गायत्री मंत्र को जाप छुड़ाया तो, पर तूने सुन ली सरगम की ताने, पंडित को नहीं बढ़े हो, बढ़ गया भावंड। या गिटार के तार से थारी फांसी न चढ़ा दी, तुम्हारा नाम लाल सिंह से बदल के कल सिंह बना दियो। दफा हो जा। इसे छोड़िए मुंशी जी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। छत्तो घड़ी का बड़ा दरबार भी मारा वास्ते छत्ता ही लेकर आया है। फर्क है मुंशी जी, भाई बारिश का छाता लाया था, मैं धूप का लाया हूं। अच्छा 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 अच्छा, आ गया। गेले मेरा मुंह क्या देख रहा है? घड़ी देख, टाइम हो गया काम करने का, चल इधर से। चल चल चल, अपना काम कर। चल तू क्या कर रहा है? तू भी काम कर, चल आ गया। अरे ये तो कमाल ही हो गया, जो सामान जिसके लिए श्रवण ले आया वही करण भी ले आया। इसलिए कि हम दोनों की पसंद एक जैसी है मामी। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बचपन में जिसे एक खिलौना पसंद आता था दूसरे को भी वही खिलौना चाहिए था। अच्छा अच्छा, इसलिए एक घर में दो दो चीजें आती थी। हाँ, और अगर भाभी भी इस घर में एक जैसी आई तो? अरे हाँ, एक जैसी आई या अलग अलग आए, पर भाभी आए तो। अगर मासा का हुक्म हो तो ये काम भी हो सकता है। मेरा हुक्म? क्या मतलब? इसलिए तो यहाँ आया हूँ ताकि आपकी परमिशन ले सकूं। माँ यूरोप में एक लड़की है, हिंदुस्तानी है, बिल्कुल वैसी है जैसे आपकी बहू को होना चाहिए। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, मुझे क्या एतराज हो सकता है? कहाँ रहती है? बुडापेस्ट। और नाम? पायल। और उसका क्या होगा? जिसके सपने तुझे आया करते थे, जिसकी तस्वीर तू बनाया करता था, मुझे फोन करके बोर किया करता था, लगता है वो बिचारी है ना, दीवार पे ही लटकी रहेगी। अरे हम राजस्थान वाले रेत से पानी निकाल लेते हैं भाई, तो एक सपना ढूंढना क्या मुश्किल है? पायल वही लड़की है मासा। भगवान करे तेरे सारे सपने साकार हो जाए। क्या बात है मासा, आप खुश नहीं हैं? अरे नहीं नहीं, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? मगर ज्यादा खुशी तभी होती जब श्रवण के सर पे भी सेहरा होता और घर में दोनों बहुएं एक साथ आती। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? कोई अच्छी सी लड़की देखकर दोनों की शादी एक साथ एक ही दिन एक ही मंडप में करा दीजिए। ये हमें मालूम है कि लड़की तो श्रवण ने पसंद कर ली है, लेकिन इसके आगे नहीं मालूम, ना नाम ना पता ना ठिकाना। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई, तुमने लड़की पसंद कर ली है?
पत्थर में दरार पड़ गई और हमको मालूम भी नहीं कौन है वो। वर्षा ने तुम्हारे दिल में जगह बना ली और तुम्हें वर्षा से प्यार हो गया। बहुत ढूंढा उसे यार, पता नहीं कहां चली गई वो। श्रवण की हालत देखी तूने? न्यूयॉर्क का बिजनेस छोड़ अचानक यहां चला आया है और जब से आया है तब से ये बोतल और ये धुन, अब तो गांव के सारे लोगों को ये धुन याद हो गई है। मैं जब भी पूछती हूं बात को टाल देता है। तेरी बात नहीं टालेगा, तुझसे बहुत प्यार करता है। पूछ तो उससे कि किसने उसे ऐसी चोट लगाई है कि दर्द से अभी तक तड़प रहा है। चिंता मत करो मासा, मैं वादा करता हूं जिसने दर्द दिया है वही दवा बनकर आएगी और मैं लेकर आऊंगा। अरे वो छैयू, अरे छैयू छैयू, अरे वो
सब कुछ ये अखियां करती है, हाय हाय अखियां करती है, जब दिल पर छुरियां चलती है ये जान निकलने लगती है, जब होड़ों पे दम रुकता है तो फिर क्या होता है। बाबूजी 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 बात दुखता जी बात दुखता है, चलूं 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 घूमने लगता है, हाँ हाँ सर ऐसे घूमने लगता है, ये झुमका आए हाय झुमका, हाँ हाँ झुमका ये झुमका झूमने लगता है, गालों को चूमने लगता है। अरे भाई ये तो चूमने की बात कर रही है, तो जाके चूम ले। बाबूजी 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 बात दुखता है, हल्का हल्का मीठा मीठा प्यारा प्यारा जब दर्द जिया में उठता है या प्यार का कांटा चुभता है। बाबूजी 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 हाँ बाबूजी 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 छोटे देखो मैंने तुम्हें अपनी पूरी लव स्टोरी सुना दी, रामकली का मुजरा भी देखा, शराब भी पी, लेकिन तुम हो के अपना भाव कम करने के लिए तैयार ही नहीं हो यार, बताते ही नहीं हो के जिसने इस पत्थर में दरार डाल दी वो किधर है। अगर मुझे वो पता होती किधर है तो मैं इधर थोड़ी होता। क्या मतलब? मतलब ये मुझे पता नहीं, वो मेरी जिंदगी से चली गई, मेरी जिंदगी को लेके चली गई। लेकिन क्यों चली गई, रीजन क्या था भाई? मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया छोटे, इतना बुरा किया कि मैं बता भी नहीं सकता। इम्पॉसिबल, मेरा भाई किसी के साथ बुरा सलूक कर ही नहीं सकता। मैं उसे पहचान नहीं सका छोटे। जिंदगी में कभी कभी कोई मिल जाता है तो मालूम पड़ता है कि क्या पाया, लेकिन जब वो चला जाता है तब मालूम पड़ता है कि क्या खो दिया। दुख तो इस बात का है छोटे
कि उसने मुझे प्रायश्चित करने का मौका भी नहीं दिया, सजा भी नहीं दी मुझे। लेकिन मैंने खुद को सजा दी, मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, वो जगह किसी और को नहीं दूंगा जो उसकी थी। ए भाई, बस आगे मत बोल, तेरी आंखों ने सब कुछ बोल दिया। लेकिन भाई, तू कैसा भाई है, इतना बड़ा गम तूने अकेले ही उठाया, मुझे नहीं बताया? भाई समझ के नहीं, दोस्त समझ के ही बता देता। मैं तेरा दोस्त भी हूं ना भाई। छोटे, अपनों को खुशियां बांटी जाती हैं, गम नहीं। नहीं भाई नहीं, आज से ये काम तेरा नहीं, मेरा है। मैं ढूंढूंगा उसे, मैं उससे माफी मांगूंगा और अपने हाथों से तेरी दुल्हन बनाऊंगा। वैसे भाई, इस पत्थर में दरार डालने वाली का नाम क्या है? वर्षा। अरे छोड़ यार वर्षा की बातें, तू अपनी वाली का बता, कैसी है, खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है, इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने तो नहीं देखी। तू इसलिए बोल रहा है छोटे क्योंकि तूने मेरी वाली को नहीं देखा? और भाई तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने मेरी वाली को नहीं देखा? I'm sorry यार, मेरी वाली से खूबसूरत और कोई लड़की नहीं हो सकती। लगी शर्त, एंगेजमेंट वाले दिन मेरी वाली को देखकर खुद ही फैसला कर लेना भाई। मेरा चैलेंज है कि उसका चेहरा देखकर आपके चेहरे का रंग मूड आएगा। लग गई? लग गई। मुंशी जी, हुकम मत। पंडित जी के पास जाकर करण की सगाई और विवाह का मुहूर्त जल्दी से निकलवाओ और बोलना जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। जी हुकम मासा। बाबू जी वो दुखता है। अरे अगर मासा को पता चलेगा कि कल रात को हम कहाँ गए थे तो इतने जूते पड़ेंगे कि हम दोनों के सर गंजे हो जाएंगे। भाई वो सर ही क्या जिस पे जूते ना पड़े हों, पर चाहे वो माँ के हों या आशिक के। अरे वाह, आजकल तू बहुत चेक रहा है छोटे, लगता है कल रात की उतरी नहीं। उतरेगी कैसे, सालम अभी तक आंखों में नाच रही है। कल जब वो दिल पकड़ कर बोल रही थी बाबू जी बहुत दुखता है, तो दिल करता था दवा की पट्टी बनकर लिपट जाऊं। तू तो मुझसे भी चार कदम आगे निकला है छोटे, लेकिन अगर पायल को पता चलेगा तो क्या होगा? यही तो आइडिया है भाई कि पायल के आने से पहले अपनी आखिरी आजादी का जश्न मना ले और ऐसा बनाए कि रामकली के बाबूजी को धोखा दे। रामकली के बाबूजी को नहीं छोटे, रामकली को धोखा दे। हां भाई। छोटी, जा जाकर दोनों को उठा और कहना मैं बुला रही हूँ। हुकुम रानी साहब, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो। अभी तक तैयार नहीं हुए और मासा नाश्ते में इंतजार कर रही हो। छोटे, लगता है छोटी ने सब कुछ बता दिया, तुम्हारे चक्कर में मैं बदनाम हो गया। अरे वाह छोटे, देख ऐसी बदनामी हर मर्द को चाहिए। तुझे छोटी को कमरे में बुलाकर इनाम दे देना चाहिए था। जो इनाम मुझसे दिलवा रहे हो वो खुद ही दे देना, अपना तो लाइसेंस जब्त हो गया। आओ आओ भांजे आओ। क्या बात है मामा जी, बहुत जोर से हंस रहे हो आप लोग। तुम्हारे
सुनाया। तो आप लोग मामा जी के जोक पे हंस रहे थे। तो तू क्या सोच रहा था, वो बेडरूम वाली बात पे हंसेंगे? बेडरूम वाली बात? कुछ नहीं कुछ नहीं, भाई तो मजाक कर रहे थे। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा मासा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो छोटी से पूछ लीजिए। बोल छोटी। हाय राम, अब मैं क्या बोलूं, मारी तो बोली बंद हो गया है। बताना क्या बात है? मैं बताता हूँ, मैंने छोटी के लिए लड़का देखा ना, उसी की फोटो दिखा रहा था। क्यों छोटी, कैसा लगा फोटो? छोटे दरबार, बुधा पेड़ से आपके लिए फोन है। हाय पायल। हाय। अच्छा ये बताओ कब आ रही हो? आई एम मिसिंग यू यार। आई एम मिसिंग यू टू। हेलो करण। हेलो। ये क्या मजाक है, ये मेरा प्राइवेट फोन है। अरे जब तू प्राइवेट नहीं है तो ये फोन कैसे प्राइवेट होने लगा? ला दे, आवाज सुनने दे। मुझे भी भाभी से बात करनी, मुझे दीजिए। हेलो। हाँ हाँ हाँ, करें, मेरी भी बहू से बात करवा दे। और मारा भी प्रणाम कह दिया। और कहना हेलो, वहाँ क्या हो रहा है? आते आते नेल पॉलिश के नए नए शेड ले आए मम्मी जी के लिए। एक मिनट एक मिनट, सबसे पहले मैं बात करूँगा। ला दे, बात करोगे? ए छोटे, ए भाई देखो, ए रुक जा, ए भाई छोड़, मेरे को बात करने दे। अरे फोन दे मुझे। नहीं नहीं दूंगा। अरे बात तो करने दे मुझे। अरे जाना। ए छोटे रुकता के नहीं, ए छोटे, अरे रुक। अरे भाई, अरे छोड़ ना भाई। ए भाई देखो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो करण? अरे यार ये मेरा भाई है ना, ये हमें बात नहीं करने देगा, तुम पहले इसे बात करो। लो। हेलो। हेलो। हेलो, मैं श्रवण बोल रहा हूँ। ये ले। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलिए। हेलो। शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, तू बात कर। हेलो। हेलो। हेलो, कैसी हो? ये शोर कैसा हो रहा है? अरे यार तुमसे बात करने के लिए सारा परिवार जमा हो गया था। तुमने क्यों नहीं बताई, इतनी बड़ी फैमिली है तुम्हारी। तुमने मुझे कभी अपने बारे में बताने का मौका नहीं दिया, फैमिली के बारे में कैसे बताता? कौन कौन है घर में? सब है, माँ है, भाई है, बहने हैं, बहनोई है, कमी है तो सिर्फ तुम्हारी। कब आ रही हो? अगले संडे। अगले संडे। अगले संडे। छोटे दरबार की मंगेतर विलायत से आ गई है। मासा ये पायल है। जीती रहो। मामी। नमस्ते। खुश रहो। बड़ी बहन। हेलो। हेलो। छोटी। हाय। हाय। चुप चुप जी। बहुत झूठ बोलता है ये करण। क्यों इसके सामने इज्जत उतार रही हो मासा? मैंने क्या झूठ बोला? तुमने तो कहा था पायल बहुत खूबसूरत है। क्यों नहीं है? सिर्फ खूबसूरत? ये तो चांद उतर आया है हमारे आंगन में। तो कम से कम ढूंढने का क्रेडिट तो दो। यह हमारे परिवार की परंपरा है, आज से लेके सगाई की रस्म तक कोई मर्द तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा। मेरी भाभी कितनी सुंदर है ना। ए भैया भैया, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे घर की परंपरा है कि भाभी को कोई भी पराया मर्द नहीं देख सकता। चल परंपरा वाली देख। कहा? मासा। भैया भैया। भांजे कहाँ घुसे जा रहे हो? मासा का हुक्म है कि कोई भी मर्द दुल्हन का मुंह नहीं देख सकता। अरे बात तो सुनो। अरे चलो जाओ यहाँ से। अरे अरे मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ। अरे यार करण, ये लोग तो सूरत भी नहीं देखने दे रहे।
मासा का हुक्म है भाई, सगाई से पहले कोई मर्द पायल को नहीं देख सकता। अरे मैं भार वाला थोड़ी हूँ, तेरा भाई हूँ। भाई अगर तुम ना ही देखो तो अच्छा है। क्यों? मैं फिर कहता हूँ भाई, शर्त वापस ले लो। पायल का मुंह देखोगे तो मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। बहुत उड़ रहा है ना छोटे, जिस दिन तू वर्षा की शक्ल देखेगा ना तो तेरी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ समझा रहा था कि जितने दिन नहीं देखोगे उतने दिन खुश रहोगे। तो देख लेंगे सगाई के दिन। डन डन। सर सजदे में झुक जाए तो उसे लोग इबादत कहते हैं। दिल सजदे में झुक जाए तो उसे लोग मोहब्बत कहते हैं। ये हुस्नो इश्क की कितनी हसीन महफिल है, किसी की जुल्फ में अटका हुआ मेरा दिल है। दीवाना 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 महबूबा का दीवाना, दीवाना मैं तो दीवाना, वो शम्मा मैं परवाना। तारीफ करता रहता है, कुछ भी कहता है, इस दीवाने की बातों में ना जाना कि मैं भी हूँ अपनी जा का दीवाना। दीवाना मैं तो दीवाना, बिन पिए मस्ताना। चांद है वो चांदनी, वो गीत है वो बांसुरी, वो जान है वो जिंदगी। जिंदगी जिंदगी हो जिंदगी 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 जिंदगी
महबूबा की मुझको तस्वीर दिखाना, देख के उसको होश में रहना, जोश में ना आ जाना, मैं तो दीवाना महबूबा का दीवाना, दीवाना मैं तो दीवाना, वो शमा में परवाना। जी मैं तो दीवाना महबूबा का दीवाना, दीवाना मैं तो दीवाना, दीवाना मस्ताना। वो बुलबुल है, वो खुशबू है, वो जादू है, वो तो लग गई, हाँ लग गई, लग गई, लग गई, हाँ लग गई, लग गई। रूठ कहीं ना जाए मुझसे मेरा यार पुराना, टूट न जाए हम दोनों का परसों का याराना। हाँ मैं तो दीवाना वो शमा मैं परवाना, दीवाना मैं तो दीवाना, बिन पिए मस्ताना। करण यहाँ आइए भांजे, आइए 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 करण बाबू, आइए आइए। अंगूठी पहने, अंगूठी। करण, बहू का घूंघट उठा के चेहरा नहीं दिखाओगे सबको? मासा, ये घूंघट जरा भारी है, इसको उठाने का काम भाई करेगा। भांजे, ये अदालत नहीं है कि जुर्म तुम करो और जज के सामने खड़ा हो तुम्हारा वकील। बात यह है मामा जी, मेरा भाई मेरा गुरु भी तो है, बचपन से लेकर आज तक जो भी सीखा इसी से सीखा, अब घूंघट उठाना भी यही सिखाएगा। अबे गधे, दुल्हन तेरी है, तुझे ही चेहरा देखना चाहिए ना। इसकी सूरत तो मैं सोते जागते लाखों बार देख चुका हूँ, आज मैं आपकी सूरत देखना चाहता हूँ कि हारते हुए कैसे लगते हैं। अच्छा, तुझे बहुत गलत फहमी है छोटे। तो फिर डर क्यों रहे हो? फैसला चार कदम पर है, पड़ाओ हाथ और उठाओ घूंघट, अभी पता चल जाएगा कि मैं जीता कि आप हारे। चलो चलो। Thank you.
भाई, ए भाई, भाई। ए भाई, इतनी छोटी सी हार को दिल से लगा लिया, पार्टी छोड़कर आ गए और वो काम कर डाला जो आज तक नहीं किया, अकेले बोतल खोल ली। लेकिन भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शर्त मत लगाओ, हार जाओगे। अब तुम पियो हारने के गम में और मैं पीता हूं जीतने की खुशी में। लेकिन भाई, मेरी जीत अधूरी है जब तक तुम अपने मुंह से नहीं कह देते कि कैसी है मेरी महबूबा। बोलो ना भाई। अच्छी है। सिर्फ अच्छी है? अरे बहुत अच्छी है छोटे भाई। क्या कंजूसी कर रहे हो भाई, खुल के बोलो ना। तारीफ करनी है तो तारीफ की तरह करो, कहो कि इतना हसीन चेहरा नहीं देखा, इतनी रोशन आंखें नहीं देखी, खूबसूरत मुस्कुराहट नहीं देखी और इतनी सच्ची मोहब्बत नहीं देखी। तुझे पीने से पहले ही चढ़ गई छूटे। अरे भाई, ये नशा उसका है जो मेरी जान है, मेरी सांस है, मेरी जिंदगी है, बल्कि जिंदगी से भी ज्यादा है। मुझसे भी ज्यादा छूटे। ये क्या पूछ लिया? एक मोहब्बत दूसरे मोहब्बत का मुकाबला नहीं करती। पायल बेशक मेरी जान है, लेकिन तुम मेरे भगवान हो जो जमीन पर सिर्फ मेरे लिए आए हो। हरामजादी, मुझसे बदला लेने के लिए मेरे भाई को फांसना चाहती है तू? तू हार गया। तू हार गया श्रवण धारीवाल, तू हार गया। साथ रहने का वादा किया था, ये अकेले कैसे जा सकती है? ये अकेले नहीं जा सकती। नहीं कर। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, ये जानने के लिए कि जिसे मर जाना चाहिए था वो जिंदा कैसे है।
तुमने जिसे बाजार भेजा था वो तुम्हारे भाई की दिल तक कैसे पहुंच गई? यही बात है ना श्रवण? या इरादा कुछ और है? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो और करनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो नफरत के काबिल है। लेकिन एक बात बता दूं वर्षा, तुम्हारे ताने उस सजा से बहुत कम है जो मैंने अपने आप को दिया है। दूसरों को दगा देने वाला खुद को सजा दे सकता है? लगता है कोई नई चाल है। ये चाल नहीं है वर्षा, पछतावा है। मैं सच कहता हूं वर्षा, तुम्हारे जाने के बाद जब मुझे एहसास हुआ तब मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। तुम्हारे घर भी गया तुम्हें अपनाने के लिए, लेकिन तुम जा चुके थे और किसी को पता भी नहीं था कि तुम कहां गई। मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें वर्षा, बहुत ढूंढा। रियली? तुम मुझसे माफी मांगने, मुझे अपनाने मेरे घर आए थे? हाँ वर्षा। और तुम समझते हो मैं तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास कर लूंगी? मेरे यकीन करो वर्षा, मैं अपने भाई करण की कसम खाता हूँ। मत खाओ करण की कसम, उस भगवान जैसे आदमी का नाम भी मत लेना। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता, जिस घर में तुम जैसा रावण हो वहां राम कैसे पैदा हो सकता है? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं वर्षा? कोशिश भी मत करना। ये आंसू, ये कसमें, ये शर्मिंदगी एक बार पहले भी देख चुकी हूं। उस वक्त मैं धोखा खा गई थी श्रवण धारीवाल, अब नहीं खाऊंगी। अब मैं जान गई हूं सांप चाहे जितनी बार भी खाल बदले रहता वो सांप ही है। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ ही वर्षा, सजा मुझे दो, बदला मुझसे लो, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद मत करो प्लीज। जरा सोचो वर्षा, अगर करण को जरा सा भी शक पड़ गया ना कि तुम्हारा और मेरा संबंध क्या था तो वो आत्महत्या कर लेगा। मैंने करण को सब कुछ बता दिया है, हाँ सिर्फ तुम्हारा नाम लेना बाकी है। लेकिन तुमने मेरे और करण के बीच आने की कोशिश की तो मैं वो भी बता दूंगी। नतीजे के जिम्मेदार तुम होगी। इससे पहले कि मैं शोर मचा के घर वालों को बुलाऊं, गेट आउट। भाई सुबह के 3 बज रहे हैं और तुम शराब पी रहे हो? नींद नहीं आ रही। मैं शाम से तुम्हारी यह हालत देख रहा हूं और यह भी जानता हूं कि इसकी जिम्मेदार पायल है। पायल? उसका चेहरा देखकर तुम्हें अपनी महबूबा की याद आ गई ना? और जब महबूबा की याद आती है तो ऐसा ही होता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि प्यार मैंने भी किया है भाई। तू नहीं समझेगा, तू सोच भी नहीं सकेगा कि किस्मत के 2 राह पे खड़ा हुआ इंसान कितना बेबस होता है। अरे भाई के ऑफिस में एक लड़की काम करती थी ना, वर्षा नाम था उसका। हाँ,
मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। गुड। और सुनो, भाई को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्या रिवाज है तुम्हारे यहाँ? होने वाले पति के पैर पड़ते हैं या गले मिलते हैं? बैठो। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पायल, भाई की जिंदगी में एक लड़की आई थी जो उसे छोड़कर चली गई। भाई आज भी उससे बहुत प्यार करता है लेकिन अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलता। सारी सारी रात जागता है, रोता है। मुझसे भाई की हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैं मासा से कहने जा रहा हूं कि हम तब शादी करेंगे जब वर्षा मिल जाएगी। वर्षा तुम्हारे भाई को छोड़ के क्यों चली गई? तुम्हारे भाई ने उसके साथ ऐसा क्या किया था? उन्होंने जो कुछ भी किया उसका बहुत पछतावा है उन्हें। उसके जाने के बाद उन्होंने उसे बहुत ढूंढा मगर वो मिली नहीं। और अगर वो मिल भी गई और उसने कहा कि वो तुम्हारे भाई से बहुत नफरत करती है तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। भाई का प्यार उसकी नफरत को जीत लेगा। बहुत चाहता है वो उसे, शायद उससे भी ज्यादा जितना मैं तुम्हें चाहता हूं। अगर इतना ही चाहते हैं तो यहां बैठे क्या कर रहे हैं? जाते क्यों नहीं उसे ढूंढने? तुम एक भाई के आंसू देख रहे हो, उसकी तड़प देख रहे हो, उसका पछतावा देख रहे हो। उस लड़की के बारे में सोचो जिसकी आंसू, जिसकी तड़प, जिसकी बेबसी किसी ने नहीं देखी, जिसके साथ किसी ने हमदर्दी नहीं की, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो गलत हुआ। अगर इंसाफ करना है करण तो फैसला मत करो, वर्षा से मिलने की बात करना। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम वर्षा को जानती हो। सारी लड़कियां एक जैसी होती है करण, हर पायल के अंदर वर्षा होती है। सिर्फ करण होना चाहिए। अरे भाई सुबह से आपको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थे आप? इधर ही था। क्यों? इन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी जो मैंने दूर कर दी, लेकिन फॉर्मल इंट्रोडक्शन जरूरी है। ये मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा गुरु, मेरी जान। डिटेल में बताऊंगा तो कई दिन लग जाएंगे। और भाई पायल, इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें पहले से जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? तुम्हारे मुंह से। हाँ भाई ये तो है, मैंने पायल को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा हुआ बता दिया करण, क्योंकि आमतौर पर लोग अपना असली चेहरा छुपा देते हैं। चेहरा छुपाने से कुछ नहीं होता, वक्त हर नकाब उतार देती है और असलियत सामने आ जाती है। ये हुआ ना नैले पे दला, जवाब दो भाई। जवाब तो वक्त ही देगा। You'll have to wait. भाभी चलिए ना, खाने पर आप ही लोगों का वेट हो रहा है। चलिए। मुझे श्रवण, तुम्हें पता है करण क्या कह रहा था? क्या? मैंने मासा को सब कुछ बता दिया भाई। मासा की राय भी यही है कि पहले वर्षा को ढूंढा जाए और हम दोनों की शादी एक साथ की जाए। उसे भूल जाइए आप लोग। लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है? आप करण की शादी कीजिए मासा, मेरी बाद में देखी जाएगी। मुझे और पायल को कोई जल्दी नहीं है भाई, वर्षा के मिलने तक हम इंतजार कर सकते हैं। क्यों पायल? जी। वर्षा न्यूयॉर्क में ही थी ना भैया? हाँ। हाँ। भाभी आप भी न्यूयॉर्क में ही थी ना? हाँ। तो आप वर्षा को नहीं जानती? नहीं।
परदेश में तो सारे हिंदुस्तानी मिलजुल के रहते, कहीं तो मुलाकात हुई होगी। बिल्कुल, याद करो शायद किसी पार्टी या किसी फंक्शन में मिली हो। हाँ। मैं न्यूयॉर्क के बारे में कुछ याद करना नहीं चाहती। वहां जिन लोगों से मिली उनके साथ मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा। वो तो इसलिए भाभी क्योंकि आप हमारे बड़े भैया से नहीं मिली। अगर मिली होती ना तो अच्छा हुआ जो नहीं मिली, वरना करण का तो नंबर ही नहीं लगता। छोटा दरबार, छोटा दरबार, छोटा दरबार, न्यूयॉर्क से फैक्स आए। छोरी की इन्फॉर्मेशन तो मिली कोड़ी, पर फोटो मिल गया भेजने कंप्यूटर से। अरे खुश कर दिया मुंशी जी, सूट सिला के दूंगा। ये देखो। हाँ बेटा, ये अच्छा कलर है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखो। हाँ, है ना? बहुत अच्छा है। और वो देखो मासा, पायल, आज आप लोगों को वो चीज दिखाऊंगा जो आप लोगों ने सपने में भी नहीं सोची होगी। अरे भाई की गर्लफ्रेंड का फोटो आ रहा है कंप्यूटर पे। चलो चलो आओ। आज हम देखेंगे। आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, वही फोटो आ रही है। आई आई। अरे यहाँ क्यों नहीं रहा? क्या हो रहा है करण? कुछ नहीं भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फोटो न्यूयॉर्क से आ रही है। एक बार उसकी फोटो मिल जाए तो फिर दुनिया में कहीं भी हो ढूंढ निकालूंगा। मांगी थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तस्वीर, भेज दी मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो। ये तुम्हारे ऑफिस वाले भी बहुत हेल्ले हैं। अरे ये तो पायल की फोटो है। ये तो इसमें पायल की फोटो आ गई, बता। ये तो देख चलो। अरे ये वर्षा की। हां हां, क्या जो फोटो आई है पायल की, वो पायल तो इधर ही रहती है। पायल जी, थारी फोटो आ गई कंप्यूटर पे। जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, वो जगह किसी और को नहीं दूंगा जो उसकी थी। हर पायल के अंदर एक वर्षा होती है।
ए भाई, कुछ नहीं छोटे, वो पैर फिसल गया था। शराब चीज ही ऐसी है भाई, जो खुद तो चढ़ती है मगर पीने वाले को गिरा देती है। लेकिन छोटे, कुछ तो बात है उसमें, जब सीने से लग जाती है तो इंसान का सारा दर्द मिटा देती है, और जब इंसान तना कुछ कहना चाहता है तो बोतल आखिरी जाम तक खड़ी सुनती रहती है। और खाली हो जाने के बाद इंसान बड़ी बेरहमी से उसे एक तरफ फेंक देता है, क्योंकि टूटने के बाद वो सिर्फ जख्म देती है। एक बात बताओ भाई, नशों में सबसे बड़ा नशा कौन सा है? वो तो एक ही नशा है छोटे, मोहब्बत का नशा। बाकी नशे चढ़ के उतर जाते हैं, लेकिन कमबख्त ये ऐसा नशा है जो चढ़ता है लेकिन उतरने का नाम नहीं लेता। देख रहा हूं भाई। क्या देख रहे? मोहब्बत का नशा तुम्हारे चेहरे पर। समझ में नहीं आता कि जिस इंसान को दुनिया का सबसे खूबसूरत नशा चढ़ाओ, वो इस बोतल के नशे में क्या कर रहा है। लेकिन छोटे, अब तो यही मेरा साथी है, जिसकी तू बात कर रहे ना, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। अगर आप चाहें तो वो आज भी आपकी हो सकती है। नहीं छोटे, वो जिस रास्ते पर जा चुकी है, अगर मैं चाहूं भी ना तो उसके पीछे नहीं जा सकता। आप पीछे नहीं जा सकते, लेकिन वो तो लौट के आपके पास आ सकती है। जिद मत कर छोटे, वैसे भी मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूं और धीरे धीरे भूल जाऊंगा। झूठ झूठ बोलते हैं आप। आप ना उसे भूलें ना भुला सकते हैं। आज भी मैंने आपको उसके लिए रोते तड़पते, रातों को जागते शराब पीते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन कहने से डरते हैं। वरना आप मुझसे कह देते कि पायल ही आपकी वर्षा है। ये क्या बोल रहे छोटे? पायल को मेरी महबूबा बोल रहे? पायल हो या वर्षा, नाम बदलने से महबूबा नहीं बदल जाती। फिर भी आपने मुझसे छुपाया ताकि आपके छोटे को दुख ना पहुंचे। दुख तो मुझे अब हुआ है भाई, कि मेरे भाई होते हुए भी आप मुझे पहचान नहीं सके। मैं जानता हूं मैंने तुझसे झूठ बोला, हर चीज छुपाई, क्योंकि पायल तेरी महबूबा है। मेरी महबूबा तो एक सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। सपना पूरा होगा भाई, और मैं उसे पूरा करूंगा। अगर वो नहीं मानती तो मैं उसे छोड़ दूंगा। भाइयों में इतना प्यार मैंने पहले कभी नहीं देखा। अपने प्यार के खातिर दोनों ने मिलकर पायल को ही तोड़ दिया। लेकिन खुद नहीं टूटे, मेरी जिंदगी का फैसला करने से पहले मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूं। पायल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सब समझ चुके हो करण, आज तुमने भी मुझे वहीं लाके खड़ा कर दिया जहां एक दिन तुम्हारे भाई ने मुझे लाके छोड़ दिया था। पायल, मेरे भाई ने तुम्हें उसी जगह पर कितना नहीं ढूंढा,
वो तो मेरी वजह से रास्ता भटक गई थी, लेकिन अब तुम अपनी सही जगह पर आ गई हो, यही तुम्हारी मंजिल है। एक बात बताओ पायल, तुमने कभी भाई से प्यार किया था? किया था, था करण। तुम्हें तो कहा था तुम्हें मेरे पास से कुछ लेना देना नहीं है, जो गुजर चुका वो गुजर चुका। आज उसी पास का मेरा फ्यूचर बनाना चाहते हो? सब गलती मेरी है। अगर मैं तुम लोगों के बीच नहीं आता तो ये सब नहीं होता, लेकिन अब भी मैं तुम लोगों के बीच से जा सकता हूं। कहां जा रहा है करण? तुम्हारे पाप और अपनी भूल का प्रायश्चित करने। नहीं करण, हट जाओ। करण, we'll be right back.
the sword! सुख देगा जितना मैंने उसे दुख दिया है। मुझे वादा दे छोटे, तेरा जीना बहुत जरूरी है पायल के लिए, और मेरा मरना बहुत जरूरी है वर्षा के लिए। और ये बात तुम दोनों के सिवा और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वादा कर। वर्षा मुझे माफ।